आपको बड़ी जानकारी। चुनाव प्रचार में ही तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गई काजल निषाद। ये बड़ी अपडेट, गोरखपुर से सपा के प्रत्याशी हैं काजल निषाद और उनको हार्ट अटैक आया प्रचार के दौरान ही। आपको बता दें कि काजल निषाद बेहोश हो गई थी, लखनऊ के लिए रेफर किया गया है काजल निषाद को। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं काजल निषाद। यह बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया और चुनाव प्रचार के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। विकास शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी, आपको बताते हैं कि गोरखपुर से जब की बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी से जो लोकसभा की प्रत्याशी काजल निषाद, उनको हार्ट अटैक आया है। दो तीन दिन से अचानक उनको तबीयत खराब थी, लेकिन आज प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, लोग अस्पताल ले गए और बताया गया ECG के बाद मालूम हुआ कि उनको हार्ट अटैक है और उनको मेदांता के लिए रेफर कर गया है। काजल निषाद लगातार रवि किशन जो कि सब भाजपा के प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन जिस तरह से उनकी दो दिन से तबीयत खराब थी और आज हार्ट अटैक आया है, उससे लेके जो है कार्यकर्ता समाजवादी के पर अस्पताल पहुंचे, रेफर कर दिया गया है। जी, क्या डॉक्टरों से बातचीत हुई आपकी? जी, वो डॉक्टर ने उनका कहना है कि माइनर अटैक जो ECG में आया है, जिसको लेने के बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल रेफर लोग बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है, मेदांता के लिए रेफर किया गया है, बड़ी जानकारी। लगातार चुनाव प्रचार कर रही है काजल निषाद और इसके चलते आपको बता दें कि उनकी तबीयत दो दिनों से खराब बताई जा रही थी। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है, ये बड़ी जानकारी। चुनाव प्रचार में ही तबीयत बिगड़ गई थी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है, बड़ी जानकारी। आपको बता दें डॉक्टरों का कहना है कि उनको माइनर हार्ट अटैक आया था। समाजवादी पार्टी से काजल निषाद को हार्ट अटैक आया, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पर चुनाव प्रचार में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हुई थी काजल निषाद।